Good morning, everyone. Continuing with our next topic of this chapter, that is diminishing balance method. Next, जो हमारे पास method है of charging depreciation, that is diminishing balance method. इसे हम return down value method या reducing balance method भी कहते हैं. इस method में जो depreciation calculate होता है, वो calculate किस amount पर होता है? जब आप एवरी ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो तो आपकी जो वैल्यू है एसेट की वो कम होती जा रही है. तो एवरी ईयर जो भी आपकी ओपनिंग बैलेंस होगा, जो भी आपका ओपनिंग बैलेंस होगा वैल्यू ऑफ एसेट का, उस अमाउंट पर हम डेप्रिसिएशन उस ईयर का चार्ज करते हैं. और इस मेथड में हर ईयर आपका जो डेप्रिसिएशन है वो डिफरेंट आएगा. तो इस मेथड में जो डेप्रिसिएशन है एसेट के ऊपर वो कैलकुलेट होगा ओपनिंग बैलेंस के ऊपर एवरी ईयर, और जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो डिक्रीज होगा विद द डिक्रीज इन द बैलेंस ऑफ एसेट. फॉर एग्जांपल, एक मशीनरी आपने परचेज की 1,20,000 की, और उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन रेट है दैट इज 10% पर एन. तो उसके ऊपर एवरी ईयर डेप्रिसिएशन आप कैसे लगाते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं. अभी चल रही है 230 पे. क्या क्या कर रहा हूँ 230 नहीं. फ्री हो क्या? हो जाओगे फ्री? कितने बजे फ्री हो गए? अच्छा, या लैब मिल मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रही थी अभी. या लैब में हो गए? लैब में आ जाना. तो फर्स्ट ईयर जो आपकी एसेट का बैलेंस है या जो आपकी एसेट की वैल्यू है दैट इज़ 1,20,000. तो 10% हमने उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है उससे लगाया, तो वो आया 12,000. 1,20,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 100, पूरे साल का है तो 12,000 आ गया. अब नेक्स्ट ईयर जो हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो किस अमाउंट पर कैलकुलेट किया जाएगा? 1,20,000 माइनस 12,000, कितना बचा आपका? 1,08,000. अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा आपका वो 1,08,000 पे लगेगा. तो 1,08,000 का 10% ये आ गया 10,800. नेक्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो किस अमाउंट पे लगेगा? 1,08,000 माइनस 10,800, तो वो आ गया 97,200. इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन आपने लगाया. नेक्स्ट ईयर आपका किसके ऊपर लगेगा? 97,200 माइनस 9,720, ये 87,480 पर आप 10% लगाएंगे. देन अगेन नेक्स्ट ईयर 87,480 माइनस 8,748, 78,732 के ऊपर आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे. इस मेथड के अकॉर्डिंग जो आपकी वैल्यू है एसेट की वो कभी भी जीरो नहीं होती है. नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज मेरिट्स क्या है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की. ये मेथड इजी है फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन. अगर इंक्रीज होता है एसेट में तो जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है उसे कैलकुलेट करना इजी है. अगर आप ये मेथड यूज करते हैं तो आपका जो डेप्रिसिएशन और रिपेयर एक्सपेंसेस हैं वो इक्वली इफेक्ट करते हैं हर एक साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को. इनिशियल ईयर्स में डेप्रिसिएशन ज़्यादा होता है और रिपेयर एक्सपेंसेस कम होते हैं, और लास्ट के ईयर्स में डेप्रिसिएशन कम और रिपेयर एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं. तो जो रिपेयर और डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस होते हैं उनका इक्वल इफेक्ट रहता है ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एवरी ईयर. देन इस मेथड के अंदर जो कुछ डेप्रिसिएशन होता है वो आप डेबिट करते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को तब तक जब तक एसेट आपकी इन यूज है. तो जो वैल्यू ऑफ एसेट है वो कभी भी रिड्यूस नहीं होती है जीरो पर. देन ये मेथड परमिसेबल है अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961. नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज डीमेरिट्स क्या है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की.
इस मेथड में जो डिटर्मिनेशन है सुटेबल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का, वो डिफ़िकल्ट वर्क है। देन इस मेथड के अंदर जो वैल्यू है एसेट की, वो कभी भी ज़ीरो रिड्यूस्ड नहीं होती है, हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू एसेट की रहती है, चाहे वो एसेट ऑब्सोल्यूट हो गई है, चाहे वो यूजलेस हो गई है। इस मेथड के अंदर कोई प्रोविजन नहीं होता है फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन एसेट, इस मेथड के अंदर कुछ नहीं होता है इससे रिलेटेड। देन एसेट इक्वली यूज होती है हर ईयर, लेकिन जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो स्टार्टिंग के ईयर्स में ज़्यादा होता है और लेटर ईयर्स में वो कम होता है। इस मेथड के अंदर जो हाई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो आप फिक्स करते हो, अगर लेस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आप फिक्स कर रहे हो तो ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन आपको चाहिए होगा अमोर्टाइजेशन ऑफ एसेट करने के लिए। लेकिन जो एसेट है वो यूजलेस हो गई है रिक्वायर्ड पीरियड से पहले ही यूजलेस हो जाती है, तो ये डीमेरिट है इस मेथड का। देन एप्लीकेशन क्या है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की, ये मेथड उन एसेट्स के लिए ज़्यादा यूजफुल है जहाँ पे जो वर्किंग लाइफ है, जैसे आपकी बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा है, तो जिनकी वर्किंग लाइफ ज़्यादा है उस एसेट के लिए डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि इन एसेट्स, ये जब एसेट्स पुरानी हो जाती है तो इनके ऊपर जो रिपेयर एक्सपेंसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के बीच में और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के बीच में, सबसे पहले हम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन की अगर बात करें तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो इक्वल रहती है हर एक ईयर में, जबकि जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है उसमें जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है एवरी ईयर वो रिड्यूस्ड होती है। देन कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन की बात करें तो जो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है वहाँ पे डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ इनिशियल बुक वैल्यू ऑफ एसेट, जबकि जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है वहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है ऑन द रिड्यूस्ड बुक वैल्यू ऑफ एसेट। देन जीरो लेवल की बात करें तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के अगर आप यूज़ करते हो तो जो बुक वैल्यू है एसेट की वो रिड्यूस टू ज़ीरो हो जाती है, लेकिन अगर आप डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज़ कर रहे हो तो कभी भी एसेट की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन की बात करें तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में जो, अगर हम इसे कंपेयर करते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, तो जो आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो कम होता है, जबकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में जो आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो ज़्यादा होता है। देन कम्बाइंड इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर ऑन P&L अकाउंट की बात करें तो जो कम्बाइंड इफेक्ट है डेप्रिसिएशन और रिपेयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, वो हर साल इक्वल नहीं होता इन केस ऑफ फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, जबकि जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है उसमें कम्बाइंड इफेक्ट जो डेप्रिसिएशन और रिपेयर का है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, वो इक्वल होता है एवरी ईयर में। देन अप्रूवल बाय इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ की बात करें तो जो आपका फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, ये इसे इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ अप्रूव नहीं करती हैं, जबकि जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है उसे इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ अप्रूव करती हैं। सुटेबिलिटी की बात करें तो जो आपका फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, ये सुटेबल उन एसेट्स के लिए है जिनके ऊपर आपका रिपेयर और रिन्यूएबल एक्सपेंसेस कम होते हैं और जो वैल्यू ऑफ एसेट की है वो कम है, जैसे फर्नीचर हो गया, पेटेंट्स हो गए। और जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है वो सुटेबल उन एसेट्स के लिए हैं जिनके ऊपर आपका जो रिपेयर और रिन्यूअल एक्सपेंसेस हैं वो इंक्रीज़ होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, और जो वैल्यू ऑफ एसेट है वो ज़्यादा होती है, जैसे बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। तो इन प्रैक्टिस अगर हम बात करें तो जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है वो ज़्यादा यूज़ होता है, बिकॉज जो डेप्रिसिएशन है वो रिड्यूस होता रहता है जैसे जैसे आपकी जो वैल्यू है एसेट की वो रिड्यूस होती रहती है, इसीलिए ये मेथड ज़्यादा यूज़ होता है। इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हम यहाँ पे देख रहे हैं। अरोड़ा ट्रेडर्स परचेज 5 कंप्यूटर्स एट द रेट ऑफ 31,000 ईच ऑन 1st जनवरी 2002 एंड इंकर्ड 5,000 रुपीज़ ऑन देयर इंस्टॉलेशन। द फर्म राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% बाय रिटर्न डाउन वैल्यू method. It was estimated that the scrap value at the end of its economic life of 10 years will be 45,000. Assuming that the accounts are closed on 31st December every year, prepare computer's accounts in the books of Aurora Traders for 4 years. तो वही सेम चीज क्वेश्चन के लिए अप्लाई होती है। मेथड कौन सा है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अमाउंट कितना है, मतलब जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो कितना है? 20%। बनाने कितने इयर्स के लिए हैं अकाउंट आपने? 4 इयर्स के लिए। और क्लोज कब हो रहे हैं? कैलेंडर ईयर कौन सा है? 31st दिसंबर। और बनाना क्या है आपने? कंप्यूटर्स
अकाउंट. तो कंप्यूटर्स अकाउंट फर्स्ट जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपकी डेट आती है दैट इज़ 1 जनवरी 2002. तो 1 जनवरी 2002 को आपने परचेज किए 5 कंप्यूटर्स 31,000 ईच. 31,000 इंटू 5 155,000. 2 बैंक अकाउंट 155,000. अब इसके ऊपर आपने 5,000 रुपीज़ उनकी इंस्टॉलेशन पे स्पेंड किया आपने. तो 2 बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस 5,000. ये जो है ये कॉस्ट में ही ऐड होगा मशीनरी की. तो जो टोटल कॉस्ट हुई मशीनरी की वो कितनी हुई, 1,55,000 प्लस 5,000, दैट इज़ 1,60,000 जो है एसेट की वैल्यू हो गई. तो आप जो डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करेंगे वो 1,60,000 पे करेंगे. तो देन नेक्स्ट जो डेट आ रही है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दैट इज़ December 31, 2002. बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट 20% ऑन 1,60,000. ये आ गया आपका 32,000. तो बैलेंस कितना बचा आपका एसेट का December 31 को, 1,28,000. देन इस बैलेंस को हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर में. तो 2 बैलेंस PD 1,28,000. अब जो डेप्रिशिएशन लगेगा अब वो किस पे लगेगा, इस पे लगेगा 1,28,000 पे लगेगा. तो 1,28,000 पे 20% आपने लगाया तो ये आया आपका 25,600. देन बैलेंस 1,28,000 में से माइनस हुआ आपका 25,600 तो ये आ गया 1,02,400. देन ये सेकेंड ईयर के अकाउंट्स क्लोज हो गए, इसको आपने बैलेंस बॉट डाउन किया आपने 1,02,400. देन इस ईयर का डेप्रिशिएशन और कोई उस ईयर में एंट्री नहीं हुई है आपकी, तो आपका उस ईयर का डेप्रिशिएशन आपने लगाया वो किस ईयर में कितना लगेगा, किस अमाउंट पे लगेगा, 1,02,400 पर. तो 20% आपने लगा दिया 20,480. देन बैलेंस इसको कैरी फॉरवर्ड किया आपने 81,900 बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट, इसके ऊपर डेप्रिशिएशन आपने लगा दिया 16,384 और ये आपका बैलेंस आ गया. इसमें अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे हमारा जो कंफ्यूज नहीं होना है क्वेश्चन में वो क्या कि यहाँ पे हमारा गिवन है कि इट वाज एस्टिमेटेड दैट इज स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 10 इयर्स विल बी 45,000. अब इसका हम यूज इस क्वेश्चन में कहीं नहीं कर रहे हैं, ये 10 इयर्स है और यहाँ 4 इयर्स के बनाने हैं. लेकिन आप एक चीज़ देखिए, ये जो स्क्रैप वैल्यू हम यूज़ करते थे वो कब यूज़ करते थे, जब हमें डेप्रिशिएशन का अमाउंट निकालना है. वो अमाउंट इक्वल अगर एवरी ईयर में है तो वो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में यूज़ होता है. लेकिन यहाँ पे वो मेथड नहीं हो रहा है यूज़. यहाँ पे क्लियरली गिवन है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. यहाँ पे ऑलरेडी जब गिवन है 20% आपका रेट गिवन है तो इसका यूज़ आपने कहीं भी नहीं करना है. तो क्वेश्चन में कन्फ्यूज नहीं होना है स्क्रैप वैल्यू देख के कि हमने जो हमने पीछे फॉर्मूला यूज़ किया उससे हमने डेप्रिशिएशन निकाला है. नहीं, क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है, रेट दिया है और रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड दिया हुआ है. तो आपने सीधा जो भी आपकी टोटल कॉस्ट है एसेट की उसके ऊपर डेप्रिशिएशन कैलकुलेट कर लेना है. नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 11. इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू सो मच.